बंधुओं प्रणाम। मैं आशुतोष अग्निहोत्री न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इमेज बिल्डिंग यानी कि अपनी छवि चमकाने के लिए कितनी राशि उड़ा देते हैं। ये पैसा वह अपनी जेब से खर्च नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा आपका जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वही पैसा है जो सरकार ये क्या क्या खर्च करती है कि अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार, गरीबों तक योजनाएं की बात पहुंच जाए, उनको समझ में आ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को या जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन इसी के साथ आप ये देखेंगे कि सरकारी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्री, उनका भी प्रचार खूब होता है। और ये प्रचार अगर आप यूपीए की तुलना में देखेंगे तो मोदी सरकार बहुत बढ़ गया। आप सुनकर चौंक जाएंगे या हैरान होंगे कि मोदी सरकार ने अपने, अभी उनका 10वां वर्ष चल रहा है, 9 साल में उन्होंने लगभग 6,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च किए हैं, अपनी ब्रांडिंग पर खर्च किए हैं, अपनी छवि चमकाने के लिए किए हैं। इसी तुलना में अगर पिछली यूपीए सरकार मनमोहन सिंह के 10 साल थे उनके पास, 10 सालों में अगर बात करें तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये रकम जो है वो लगभग 3200 करोड़ रुपए, मतलब आधे से भी कम। तो क्या मोदी जी की योजनाएं ज्यादा थी या उन्होंने प्रचार ज्यादा किया, प्रचार पे पैसा खर्च किया? इस सब पर या इन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीपी राय साहब कांग्रेस से। मैं उन्हीं के पास चलते हैं कि क्या मनमोहन सिंह की सरकार में इतना प्रचार की आवश्यकता नहीं थी, जो कि जो है उन्होंने 3200 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर ही खर्च किया, वो भी 10 सालों में, और मोदी जी ने एनडीए के 9 सालों में ही 6,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। आशुतोष जी, दोनों में बड़ा फर्क है। मनमोहन सिंह की सरकार में आपको ध्यान होगा, मनमोहन सिंह जी की हर जगह फोटो नहीं छपती थी। मनमोहन सिंह जी रोज अपने चेहरे चमकाने के लिए कुछ नहीं करते थे। मनमोहन सिंह जी किसी पानी में डुबके नहीं लगाते थे। मनमोहन सिंह जी किसी जंगल में सैर करते हुए फोटो नहीं खिंचाते थे। मनमोहन सिंह जी किसी मंदिर में तथाकथित ध्यान लगा करके फोटो नहीं खिंचाते थे और उसके लिए मीडिया का तमाम जमावड़ा नहीं होता था। मनमोहन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनको जब कोई बात कहनी होती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार का जो आपने आंकड़ा दिया कि 3200 करोड़ रुपया प्रचार पर खर्च हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में योजनाएं बहुत ज्यादा थी, मनरेगा से लेकर के आरटीआई से लेकर तमाम तरह के मनमोहन सिंह की सरकार में काम हुए थे, जनहित के काम हुए थे, विकास के काम हुए थे, देश की सुरक्षा के काम हुए थे, देश के भविष्य को देखते हुए काम हुए थे, तो तमाम तरह के काम हुए थे। उनकी सरकार में जो पैसा ये दिखाया जा रहा है कि प्रचार पर खर्च हुआ, वो योजनाओं को जनता को बताने के लिए खर्च किया गया था, क्योंकि बहुत सी योजनाएं अगर जनता तक न बताई जाए तो उनका शोषण होता है, उनको पता नहीं होता तो उसका वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को आप जानते हैं, उस सिस्टम का बस चले तो कुछ जनता को मिलने ही ना दे। तो मनमोहन सिंह की सरकार में जो पैसा खर्च हुआ वो जनता को अवेयर करने के लिए खर्च किया गया, जनता को योजनाओं का लाभ देने के लिए खर्च किया गया। और वर्तमान जो साहब है, इनका तो दिन रात केवल फैशन, कपड़ा बदलना। मैंने सुना है और एक फोटो भी देखा है मैंने, वीडियो भी देखा है कि मोदी जी के साथ बकायदा एक फैशन टीम रहती है और वो फैशन टीम उनकी दाढ़ी कैसे सेट होगी, चेहरे पे क्या पोता जाएगा, और वो कटिंग वटिंग करके अखबार का वो कोई कागज का बगल में लगा के रखते हैं वो, और फिर वो शो करते हैं, वो सब देखा मैंने। ऐसा मैंने फिल्मों में तो देखा है ये सब चीज होता है, क्योंकि वो शो बिजनेस है। लेकिन राजनीति शो बिजनेस नहीं है, राजनीति तो धूप गर्मी बरसात जाड़ा कुछ नहीं, देख करके जनता के लिए लगे रहने का ये एक कमिटमेंट है, एक ये सेवा भाव का काम है, ये देश के लिए समर्पण का काम है। मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में जो ये सब करते हैं। मुझे याद है कि बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे और बराक ओबामा आए और कई दिन रहे, एक ही सूट पहन करके उनका पूरा टाइम कट गया। फिर मैंने कहा जरा गौर किया जाए कि बराक ओबामा कपड़े बदलते हैं कि नहीं। उनका मैंने देखा कि 8 साल वो राष्ट्रपति रहे और 8 साल सारे दौरे वो उनका वही एक सूट चलता रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति का मतलब दुनिया का एक बेताज अघोषित बादशाह,
और वो वही एक ही कपड़ा एक ही सूट पे उसने 10 साल काट दिया। हमारे माननीय जो है इनका एक सूट तो बना था जिस पर मोदी 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 सोने के साथ से लिखा हुआ था, 10 लाख या 15 लाख कितने का सूट था। सुबह से शाम तक, सुबह जो कपड़ा पहने होते हैं शाम तक बदल जाता है। आपने देखा होगा कि इन्होंने जब नदी में डुबकी या समुद्र में डुबकी मारा था तो डुबकी मारते वक्त उनके जो कुर्ते का कलर था वो दूसरा था, और डुबकी मारने के बाद जो बाहर निकले फोटो सेशन हो रहा था कुर्ते कलर बदल गया था। तो ये जो शोमैन है हमारी हिंदुस्तानी राजनीति के पहले शोमैन, आगे कौन होगा नहीं मालूम, पहले शोमैन है ये। राहुल गांधी को आप देखते होंगे कि राहुल गांधी एक हाफ जैकेट लेकर के उसी हाफ जैकेट में पूरा जाड़ा काट देते हैं। तो इस शोमैन में 6,500 का आंकड़ा बता रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारा आंकड़ा होगा जो छुपाया गया होगा जो इस सरकार पे खर्च किया गया। ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ जो संसद के अंदर जो है वो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, ये 2022 के आंकड़े हैं, 2022 में उन्होंने ये आंकड़े रखे थे। आपने बात की कि मनमोहन सिंह ठीक है, मैंने भी देखा, इज ए वेरी कोई पॉम्प एंड शो नहीं मनमोहन सिंह, फाइन, बट अपनी अपीयरेंस को लेके अपनी प्रेजेंस को लेके मिसेस गांधी भी बहुत सेंसिटिव थी और वो अपने अटायर वगैरह को लेके बहुत सेंसिटिव रहती थी। लेकिन हाँ, जितना आशुतोष जी मिसेस गांधी का आपने नाम लिया, वो सलीके से साड़ी पहनती थी, वो साड़ी सलीके से पहनती थी, लेकिन वो साड़ी मैंने उनको खरीदते हुए दिल्ली के रीगल वाले गांधी आश्रम में, मैंने इंदिरा गांधी को खुद साड़ी खरीदते हुए देखा है। और साड़ी खरीदने के बाद जो सामने पार्क है उस पार्क में बच्चों से बतियाते हुए गप मारते हुए भी देखा उनको। और उनकी मैंने वो साड़ी भी देखी है जो 1 नंबर सफदरजंग रोड पर उनके स्मारक में लगी हुई है, जिसमें 300 छेद हैं गोलियों के और खून ही खून है। मैंने उनकी वो साड़ी भी देखी हुई है। इंदिरा गांधी रोज सुबह शाम साड़ियां नहीं बदलती थी, हाँ साड़ी पहनती थी, हो सकता है 7 दिन में 7 पहनती हो, लेकिन वो एक सुबह पहनती थी तो रात तक वही पहने रहती थी। वो सलीके से पहनती, सलीके से रहती थी। सलीके से रहना और साफ सुथरा रहना और शो करना, दोनों में फर्क है। लेकिन राय साहब ये बताइए, मैं जो फिगर आपको बताएं, ये हाउस में सरकार की फिगर्स हैं और आरटीआई में भी कुछ ऐसे फिगर्स दिए गए हैं, तो मतलब इन फिगर्स को आप देखें, इसका कैलकुलेशन करें तो 2 करोड़ रुपए हर रोज मोदी या उनकी सरकार के प्रचार पर खर्च होते हैं। खैर, करते हैं तो करते हैं, लेकिन उसको भी मतलब छुपाने की कोशिश। आपने एक बड़ा अच्छा, अरे आशुतोष जी आपने बड़ा अच्छा टिप दे दिया। आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी जी के प्रचार पर खर्च होते रहे। यहाँ हमें गौर करने की चीज है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन में कितने ऐसे लोगों की जान बच सकती थी जो दवाई बिना मर गए। 2 करोड़ रुपए में प्रतिदिन कौन सी ऐसी लड़की बच सकती थी जो भात भात चिल्लाते हुए मर गई, हमको यह देखना पड़ेगा। उस 2 करोड़ रुपए में कितने ऐसे बच्चों के हाथ में किताब आ सकती थी जो किताब नहीं होने के नाते निरक्षर रह गए। अब आप आगे जो पूछना चाहे पूछे। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि सरकारें अपने कामकाज का, अपनी योजनाओं का प्रचार करती हैं, शुरू से आ रहा है, उस पर हम जरा बाद में बात करेंगे। लेकिन मोदी जी के साथ देखिए, मतलब एक आप क्या इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे, हम एक आपको 2 नवंबर 2022 की घटना की याद दिला रहे हैं। दिल्ली सरकार या दिल्ली के अंदर उन्होंने जो है एक मतलब एक दिल्ली के अंदर ही का ही जो है एक योजना थी जिसके कि उद्घाटन के लिए आए थे, और वहां पर मोदी जी का संबोधन, वो मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा, सुना उसको, कि उनका कहना है कि देखिए लोगों के बैंक खाते खोलने, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने, मुद्रा स्वनिधि और गरीब कल्याण सहित कुछ अन्य योजनाओं से लोगों को मिलने वाली सहूलियतों व लाभों का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने कहा कि अगर वह इन सबके लिए विज्ञापन देते तो ना जाने कितने पैसे खर्च हो जाते। मतलब इसके बावजूद भी क्या उनको नहीं पता है कि इसके विज्ञापन हो रहे हैं? क्या मोदी जी को नहीं देखते हैं अखबार? क्या मोदी जी टेलीविजन नहीं देखते हैं कि कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है सरकार का? उसके बाद भी इस तरह का ये प्रलाप कि अगर ऐसा जो है हम इस पे विज्ञापन करते ना जाने कितना पैसा खर्च हो जाता।
तो ये क्या करेक्टर है उनका? देखिए मोदी जी का एक भाषण है, आपके दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा यूट्यूब पर देख लें। मोदी जी खुद ही कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, बहुत बार बोलो, ये मोदी जी ने खुद ही कहा है। ये मंत्र उन्होंने खुद दिया है, उनको भी किसी ने एक गुरु मंत्र दिया होगा, तो वो काम वो लगातार कर रहे हैं। मोदी जी का जितना पैसा प्रचार में खर्च हुआ है, मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट संस्थाओं ने उनके ऊपर खर्च किया है। आप वो पैसा बता रहे हैं जो पैसा सूचना प्रसारण विभाग, जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट है, उसने खर्च किया है, लेकिन अन्य तमाम योजनाओं का जितना पैसा उनके प्रचार के लिए डाइवर्ट किया गया है, वो अगर जोड़ा जाए तो इससे कई गुना ज्यादा निकलेगा वो। और मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं छानबीन होनी चाहिए कि कौन कौन से पैसे जो दूसरे काम के लिए आए थे और मोदी जी के प्रचार के लिए डाइवर्ट कर दिए गए, मोदी जी के प्रचार के कार्यक्रमों के लिए डाइवर्ट कर दिए गए। मैं सवाल पूछता हूं, पुलवामा में हमारे 46 जवान शहीद हो गए और उस दिन मोदी जी एक शूट करवा रहे थे जंगल सफारी में, उस जंगल सफारी शूट से भारत देश को क्या मिला, भारत देश के गरीब को क्या मिला? मोदी जी ने वो जो समय खर्च किया वो भारत देश की जनता का खर्च किया, क्योंकि भारत देश के वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का हर पल भारत देश की जनता का है, प्रधानमंत्री का एक कदम भी अगर चलता है उसका जो पैसा रुपया खर्च होता है, जो समय खर्च होता है, वो भारत देश की जनता के लिए होना चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं हो रहा है तो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और जनता के साथ धोखा और छल है। अगर मोदी जी कहीं डुबकी मार रहे हैं और कहीं कोई चीज और पकड़ रहे हैं, अगर मोदी जी कहीं समुद्र के किनारे सैर करने जा रहे हैं, तो आपको याद होगा पुराने प्रधानमंत्री भी ऐसा करते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बकायदा लिटन में राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते थे और लोकसभा अध्यक्ष को, अगर संसद चल रही है तो लोकसभा अध्यक्ष को और संसद नहीं चल रही तो राष्ट्रपति को एक पत्र लिखते थे, और उसमें ये लिखते थे कि फला तारीख से फला तारीख तक हम छुट्टी चाहते हैं और छुट्टी पर हम व्यक्तिगत दौरे पर जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल होता है, उसके नियम है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसका सरकारी जहाज साथ जाता है, उसकी गाड़ियां साथ जाती है सुरक्षा के लिए, लेकिन वो छुट्टी लेकर जाते थे और कहीं जाके वो पिकनिक मनाए चाहे छुट्टी मनाए, वो उनका काम है, वो अधिकार भी है और वो होना भी चाहिए कि आप काम करते करते अगर महीने साल भर थक जाते हैं तो दो चार पांच दिन कहीं अपने परिवार के साथ समय बिता दीजिए, बशर्ते आपके पास परिवार हो, बशर्ते आपके पास कुछ दोस्त हो। लेकिन सरकारी खर्चे पर, सरकार का पैसा, भारत का पैसा, भारत देश की जनता का पैसा और समय अगर आप इन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए हुए, ये अपने आप में एक अपराध है, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। ये आप छुट्टी लीजिए, जाइए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मोदी जी को इन बातों का जवाब आगे चल के देना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी दिन में 20 से 22 घंटे काम करते हैं, छुट्टी तो वो लेते ही नहीं है, और बल्कि आपके नेता राहुल का आरोप लगता है कि वो तो विदेश छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, प्रधानमंत्री छुट्टी भी नहीं लेते। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो बिना छुट्टी लिए, जैसे अध्यापक, कई बहुत सारे कोई नौकरी वाले लोग होते हैं जो बिना छुट्टी लिए गायब रहते हैं और फर्जी अपनी साइन कर देते हैं, अपने साथी कहते मेरा साइन कर देना, या लौट के एक साथ कर देते हैं, ये बेईमानी मानी जाती है, भ्रष्टाचार माना जाता है। मोदी जी छुट्टी नहीं लेते, 22 घंटे जो काम करते हैं वो काम हमको आपको दिखलाई पड़ता है। आशुतोष जी, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं, मुझे जरा कोई भी टीवी का एक क्लिप भेज दीजिए जो क्लिप ये बताता हो कि मोदी जी ने हफ्ते में ये प्रधानमंत्री निवास में मीटिंग ली, मोदी जी कब साउथ ब्लॉक गए, साउथ ब्लॉक पे कितने घंटे बैठे। प्रधानमंत्री का कार्यालय साउथ ब्लॉक है, वो 10 से 6, 5, 7, 8 बजे तक के कार्यालय है, उससे इतर अगर कोई काम होता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री के निवास के बगल में भी एक कार्यालय बना है, लेकिन वो कार्यालय मुलाकातों के लिए है और समय बीत जाने के बाद के लिए है। मुझे कोई एक भी क्लिप दिखा दे, कोई समाचार दिखा दे कि 10 साल में मोदी जी कितनी बार साउथ ब्लॉक गए और कितनी बार सुबह से शाम तक वहां बैठे। अगर वो वहां सुबह से शाम तक बैठते तो हम गिनते इतने घंटे मोदी जी ने देश के लिए काम किया। दिन भर फैशन करना, टूर करना, घूमना, पार्टी का प्रचारक बन के प्रचार करना और उसका प्रचार करवाना, वो काम नहीं है, वो उनकी पार्टी के प्रचार का काम है, वो उनका अपना व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट है, वो भारत देश का काम नहीं है, और इस सब का हिसाब मोदी जी को देना चाहिए कि उन्होंने आखिर देश का काम कब और कैसे किया। और इससे बड़ा सवाल एक और है आशुतोष जी, कि जब ये काम नहीं करते, इनके पास समय नहीं होता, घूमते रहते हैं रोज,
और भाषण देते रहते हैं रोजाना, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो भारत देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बिजी होता है। हमने और प्रधानमंत्रियों को देखा है, अच्छे भले बड़े खूबसूरत आए थे राजीव गांधी, और प्रधानमंत्री के पद पर रहते रहते 5 साल में बाल उड़ गए सर के, चेहरा लगा कि बहुत उम्र बढ़ गई है, इतना तनाव रहता है, इतना टेंशन रहता है, इतना काम करना पड़ता है। तो मोदी जी अगर काम नहीं करते हैं तो इनकी जगह प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन चलाता है, इनकी जगह देश के फैसले कौन लेता है, क्या RSS, क्या इनका विवेकानंद फाउंडेशन, या ब्यूरोक्रेट, नहीं नहीं राज, या वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। बहुत ये आज सड़क मेरे मन से बड़ा सवाल निकल गया, ये जानने का हक है, प्रधानमंत्री के फैसले कौन लेता है, ये देश को जानने का हक है। कहा तो ये जाता है कि सरकार के हर फैसले दो ही लोग सरकार चला रहे हैं, तो ये आप शायद गलत कह रहे हैं कि मोदी जी के फैसले जो है कौन करता है अगर वो कार्यालय में नहीं रहते हैं। और अगर कार्यालय में नहीं रहते हैं तो RCR अब आपका नाम बदल दिया गया है, लोक कल्याण मार्क कर दिया गया, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। फैसला लेने के बाद मोदी जी को शाह जी को बता दिया जाता होगा, पूछ भी लिया जाता होगा कि साहब ऊपर से आदेश आया है अडानी जी के यहाँ से, या विवेकानंद ट्रस्ट से, या नागपुर से ये आदेश, झंडे वादन से एक आदेश आया है, ये करने क्या, वो हाँ कर देते होंगे तो उनका फैसला माना जाएगा। लेकिन फैसले के बहुत सारे केंद्र हैं, नागपुर, झंडे वादन, विवेकानंद ट्रस्ट और अडानी अंबानी के घर, फैसले के बहुत सारे केंद्र हैं, उन सारे केंद्रों से जो निर्देश प्राप्त होते हैं मोदी जी वो सारे काम करते हैं। अब इस बात की पोल खुल चुकी है। अच्छा राय साहब, मैं थोड़ा इससे अब विषय थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं। मेरा मानना यह है कि जो भी सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों का प्रचार है वो होना चाहिए, ठीक है, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति की फोटो या वो चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे पास एक भारत सरकार का एक एम्बलम है अशोक की लाट, हमारे पास राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ये सरकार आप देखिए तो है तो ये राष्ट्रपति की है ना, मुखिया तो वही है सरकार के या सरकार की, तो क्यों नहीं ये ट्रेडिशन कैसे हो, क्यों नहीं हम जो है भाई प्रधानमंत्री वो चुनाव भी लड़ता है, उसकी पार्टी चुनाव लड़ती है, 5 साल तक बराबर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की फोटो अखबार टेलीविजन मीडिया में जो है बराबर छपती रहती है, तो जनता में एक इन्फ्लुएंस तो जनता हो ही जाती है, आप रोज रोज एक फोटो जो है देख रहे हैं, नेचुरली इन्फ्लुएंस हो जाती है। क्यों नहीं ये परंपरा या तो गलत शुरू हुई, राष्ट्रपति का फोटो लगे या फिर भारत सरकार के जो एम्बलम है अशोक की लाट वो लगा के आप विज्ञापन जो है जारी करिए। बात सही है भाई, प्रधानमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी फोटो और वीडियो सब चलता है, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके अखबार में फोटो छपती, उनका वीडियो भी चलता है, टीवी पर भी चलते हैं वो। उसके अलावा हर पेट्रोल पंप पर, हर शौचालय पर, हर 5 किलो अनाज के डब्बे थैले पर, हर तेल के शीशी पर, हर चीज पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके प्रधानमंत्री की पद की गरिमा गिरा दी गई है। लेकिन ये होता क्यों है, दरअसल ये फांसीवादी व्यवस्था है और फांसीवादी मानसिकता है। चूंकि RSS का हमेशा से एक सपना है कि एक दिन उनका सिंगल राज होगा, वो अकेले राजा होंगे, वन मैन राज होगा, वो राज RSS के चीफ का होगा। हो सकता है कि मुखौटे के तौर पर कोई प्रधानमंत्री शब्द भी एक पद भी क्रिएट कर दे, जैसा ईरान में है। ईरान में वहां का जो खमैनी या अब खमैनी, पहले खमैनी थे अब खमैनी है, वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष असली, और उनके निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहां के फौज और न्याय और अदालत उस सबके सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री की और ब्यूरोक्रेसी का सर्वे सर्वा है, और नीचे की व्यवस्थाओं का सर्वे सर्वा है। दुनिया से बातचीत करने का काम प्रधानमंत्री का है, लेकिन सर्वोच्च लीडर है वो उनका धार्मिक नेता है। उसी तरह से RSS का सपना है कि एक दिन RSS का राज होगा, RSS का चीफ इस देश का सर्वोच्च नेता होगा, सर्वोच्च लीडर होगा, और उसकी ही कमांड चलेगी, उसके जो अपने अपने तौर तरीके जो सोचता है कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान उस तरह चलेगा। उसको चलाने के लिए वो तथाकथित तौर पर एक ही पार्टी के चुनाव की व्यवस्था भी करेगा, इसमें एक ही पार्टी का आदमी चुनाव लड़ेगा, 100% वोट कंपलसरी होगा, दूसरा आदमी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रखेगा। और तो जब ये व्यवस्था कायम करनी है उसके टेस्ट के तौर पर एक आदमी को स्थापित करने का इन्होंने प्लान चलाया है। ये फांसीवादियों का तरीका होता है
कि पहले मीटर नाप लो कि जनता कितना बर्दाश्त करती है, और माहौल बनाने की कोशिश की कि एक आदमी सुपरमैन है, सुपरमैन बनाने की कोशिश का परिणाम है सब जगह फोटो होना। मैंने जो प्रश्न उठाया है देखिए वो रिफॉर्म से जुड़ा है। चुनाव आयोग में बहुत रिफॉर्म्स हुए किए गए, मोदी काल में भी जो है काफी कुछ किया गया वहां। मैं खाली इस पॉइंट को उठाना चाह रहा हूं कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं चुनाव में, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पांच साल तक जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज मोदी जी हैं तो कांग्रेस आएगी या पहले कांग्रेस थी, जो भी हो, पांच साल तक किसी भी की सरकार हो, उस व्यक्ति का चेहरा अगर यही तरीका चलता रहा विज्ञापन से प्रचार प्रसार का, तो वो एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है हर व्यक्ति। पांच साल का इंप्रेशन, पांच साल का इन्फ्लुएंस लेकर आप और अपोजिशन आमने सामने होते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो वही खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्यों नहीं ये बात कर लीजिएगा, कोशिश वही हुई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड समाप्त की जाए, जो समान भाव से चुनाव होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, सबको समान अवसर होना चाहिए। वैसे तो यह तय था देश जब आजाद हुआ था तो यह तय था कि समानता आएगी, ऊंच नीच की खाई मिटेगी, सबको समान अवसर होगा, वो समान अवसर इंसान को भी होगा, वो राजनीतिक दल को होगा, वो समाज को भी होगा। लेकिन मैंने कहा ना फांसीवाद की मैंने एक परिभाषा किया, वो फांसीवाद समान अवसर नहीं देता, फांसीवाद सारी ताकत से सारे अवसर अपने हाथ में लेता है, उसी का परिणाम आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम है। राय साहब मेरे प्रश्न का जवाब, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि सरकारी विज्ञापनों पर से प्रधानमंत्री मंत्री इन सबके फोटोज बंद हो जाने चाहिए, ये एक रिफॉर्म होना चाहिए। सरकार हो सकता है आपकी आ जाए, किसी की भी आए, और या राष्ट्रपति का फोटो जाए, वो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी जा सकती है क्योंकि राष्ट्रपति को चुनाव नहीं लड़ना है जाके, लेकिन जो आदमी पांच साल तक सरकार में है उसको तो फायदा मिल जाता है ना चुनाव में, वो तो सरकार के नाम पर प्रचार प्रसार हो रहा है, पैसा सरकार का भी का, हमारा आपका, हमारे आपके पैसे से प्रचार करके चुनाव लड़ा जाता है, तो ये तो बहुत ही जो है वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। ये व्यवस्था लोकतंत्र पर धब्बा है, लेकिन क्या करें, परंपरा चली आ रही है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग भी हुआ तो आप बहुत बड़े बड़े प्रचार हुए थे, अभी भी बहुत बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं। इंडिया शाइनिंग भी हार गया था और अभी भी चुनाव हारने जा रही बीजेपी। मैंने बीजेपी को मैक्सिमम 176 सीट दी है, इससे ज्यादा आ जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। सारे प्रचार के बावजूद, अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। प्लेइंग फील्ड लेवल एक बराबर नहीं है, लेकिन उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होने जा रहा है, बीजेपी फिर भी हारने जा रही है। नहीं मैं देखिए आज बीजेपी हार जाए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी होगी जब सरकार के मुखिया का फोटो सरकारी विज्ञापनों में नहीं जाए, अदरवाइज जनता इन्फ्लुएंस तो रहेगी, ये मेरा कहना है। नहीं नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, आप सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, ये ठीक है। देश की जो सरकार बनती है वो राष्ट्रपति के नाम पर बनती है और राष्ट्रपति अपना सरकार नियुक्त करता है, एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसकी सलाह से एक मंत्रिमंडल नियुक्त करता है, संविधान ये कहता है। लेकिन फिर भी जो व्यवस्था डेमोक्रेसी में होती है उसमें सर्वा सर्वा सरकार का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति रबर स्टाम्प होता है, तो उसका 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 फोटो छपे, अगर वो कोई बात कहे तो उसकी फोटो छपे, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो फोटो छपे, वो कहीं सम्मेलन करे तो उसकी फोटो छपे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन केवल फोटो छपे सही है, वही काम ना हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो पीआईबी है, केवल फोटो छपे कोई काम ना हो, लेकिन इस तरह हर रोज अखबार में विज्ञापन, मैं कह रहा हूं ये फेयर इलेक्शंस के नाम पर, फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता कि फेयर इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास तो पांच साल तक उस भाई वो क्या करेगी, उसके पास करने को कुछ नहीं, वो तो एंटी इनकम्बेंसी पे चुनाव लड़ती है कि सरकार में क्या कमी आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बात से सहमत हूं मैं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। चलिए तो राय साहब आज की चर्चा जो है यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है जी, नमस्कार।
नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ